प्रतीक जैसे पीसीएस अधिकारी बनता है तो वह सीधा अपनी गाड़ी में बैठता है और अपनी छठवीं क्लास की मैडम से मिलने के लिए उसके घर के लिए चल देता है। जैसे वो अपनी मैडम के घर पर पहुंचता है तो वहां देखता है कि जिस घर में उसकी मैडम रहा करती थी वो एकदम से बंद पड़ा हुआ है और देखने में लग रहा है कि कम से कम 4-5 साल से इस घर के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। अब इस बात को देखकर वो बड़ा ही परेशान होता है और अड़ोसी पड़ोसियों से उस मैडम के बारे में पूछने लगता है। पूछने पर उसे एक दूसरा एड्रेस मिलता है जहां पर बताया जा रहा था कि वो मैडम फिलहाल वहां पर रहा करती हैं। इसके बाद जो प्रतीक होता है दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठता है और उस दूसरे एड्रेस के लिए निकल जाता है। कौन था ये प्रतीक और किस वजह से अपनी छठवीं क्लास की मैडम से मिलना चाहता था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक स्कूल के अंदर एक लड़का पढ़ा करता है जिसका नाम है प्रतीक। प्रतीक जो कि 5वीं क्लास में पढ़ा करता है उसके घर में उसके माता पिता हैं और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उसके पिता एक कंपनी में जॉब किया करते हैं और जॉब करने के बाद अपने घर का भरण पोषण अच्छी तरह से कर लिया करते हैं। अच्छी तरह से समय बीत रहा था, लड़का अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई किया करता था और वह स्कूल जाया करता था। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से जो प्रतीक की माँ है वो किसी बीमारी के चलते एकदम से उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत होने के बाद प्रतीक का जीवन तहस नहस हो जाता है। वह पहले तो अच्छी तरह से तैयार होकर स्कूल जाया करता लेकिन जब से उसकी माँ की मौत हुई है तो उसके बाद उसे कोई अच्छी तरह से तैयार करने वाला होता ही नहीं है। उसके पिता खुद कंपनी में काम किया करते थे तो वह अपने बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसके बावजूद जो प्रतीक है जैसे तैसे खुद अपनी तैयारी करता और तैयारी करने के बाद स्कूल चला जाया करता। उसकी वेशभूषा और उसका रहन सहन का तरीका जो स्कूल के अंदर था वह पूरा के पूरा बदल गया था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो प्रतीक है वो 5वीं क्लास को जैसे तैसे करके पास कर लेता है और 6वीं क्लास में पहुंच जाता है। अब 6वीं क्लास में आते आते जो प्रतीक है ना तो अपना लंच ले जाया करता और ना ही अच्छी तरह से कपड़ों को पहनकर जाया करता। उसके स्कूल में एक महिला टीचर थी जिसका नाम था सरला। सरला जैसे प्रतीक की हालत को देखती है तो उसे बड़ा ही तरस आता है लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये भी पता था कि उसकी माँ की मौत हो गई है और इसी वजह से इसकी ये हालत है। इसी वजह से वह कुछ नहीं कर पाती है और प्रतीक को सभी बच्चों की तरह प्यार से पढ़ाने लगती है। एक दिन प्रतीक अपने कमरे में आराम कर रहा था, बाहर बरामदे में उसका पिता और उसका दोस्त बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में जो उसके पिता का दोस्त है वो उससे कहने लगता है कि भाई तू ऐसा कर, तू दूसरी शादी कर ले, अभी तेरी उम्र ज्यादा नहीं है और तू दूसरी शादी कर लेगा तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। अब यह बात भीतर से प्रतीक भी सुन रहा था और वह सुन रहा था कि उसके पिता क्या जवाब देते हैं, तो उसका पिता कहता है कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बेटा अभी छोटा है, अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो दूसरी पत्नी ना जाने इसके साथ कैसा व्यवहार करेगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। अब इस बात को सुनकर उसके पिता का दोस्त कहने लगता है कि ऐसे तो समय व्यतीत नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो तुझे करना ही होगा, तुम्हारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो तुम्हारे घर पे आके तुम्हारा सहारा बन सके, फिर तू ऐसे जिंदगी को कैसे व्यतीत करेगा। तो प्रतीक का पिता कहता है कि जो होगा सो देखा जाएगा, अब कर भी क्या सकते हैं। उसका दोस्त भी ऐसे ही कहता है कि हां कर भी क्या सकते हैं, अगर तुम्हारा बेटा बड़ा होता तो इसकी शादी करा देते और उसके बाद तुम्हारे घर का अच्छी तरह से गुजारा हो जाता। अब यह बात प्रतीक भी सुन लेता है और वो सोचने लगता है कि शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी थोड़ी ना है, मैं अब भी शादी कर सकता हूं, और इस बात को मन में दबाकर वह ऐसे ही आराम करने लगता है। धीरे धीरे रात गुजरती है और रात गुजरने के बाद जैसी दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह सुबह वह अच्छी तरह से तैयार होकर अपने स्कूल में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद स्कूल में बैठा हुआ था लेकिन वह सरला मैडम की तरफ देख रहा था और देखते देखते बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। अब जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो छुट्टी के बाद जो प्रतीक होता है वह सरला मैडम के पास जाता है, पास जाकर कहने लगता है कि मैडम आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। अब इस बात को सुनकर जो मैडम है वो एकदम से आश्चर्य में पड़ जाती है और उसके कान को पकड़कर कहने लगती है कि बुद्धू ये तू क्या कह रहा है, तुझे अभी से शादी क्यों करनी है। तो उसके बाद जो प्रतीक होता है वह मासूमियत भरी आवाज में अपने पिता और उसके दोस्त की उन बातों को बता देता है जो बातें उसने रात के समय सुनी थी। अब इस बात को सुनने के बाद मैडम को बड़ा ही तरस आता है और वह उस बच्चे से कहती है कि बेटा अगर तुझे मुझसे शादी करनी है तो तुझे पहले पढ़ लिखकर बड़ा अधिकारी बनना होगा और जिस दिन तू बड़ा अधिकारी बन जाएगा उस दिन मैं तेरे से शादी कर लूंगी। ऐसा कहकर सरला मैडम ने प्रतीक को समझा दिया था और यह बात प्रतीक के दिमाग में बैठ गई थी, क्योंकि अब तक जो प्रतीक पढ़ाई किया करता था उसमें एवरेज ही था और जब से उसकी माँ की मौत हुई है उसके बाद वह पढ़ाई में और भी ज्यादा कमजोर हो गया था। तो इसके बाद प्रतीक यह बात ठान लेता है कि उसे पढ़ लिखकर एक बड़ा अधिकारी बनना है और उसके बाद वह सरला मैडम से शादी करेगा और उसका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगेगा। इस बात को सोचकर जो प्रतीक होता है वह अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ही ज्यादा जोर देता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करता
लगातार मेहनत करने के बाद छठवीं क्लास को अच्छे अंकों से पास कर लेता है। उसने छठवीं क्लास में सभी बच्चों से ज्यादा अंक प्राप्त किए थे और इस बात को देखकर जो उसकी सरला मैडम है वो भी बड़ी खुश होती है और कहती है कि बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, आगे भी अगर तुम ऐसा ही करोगे तो जल्दी से एक बड़े अधिकारी बन जाओगे और तुम्हारी मेरे से शादी हो जाएगी। क्योंकि सरला मैडम को ये बात पता थी कि जब से मैंने इससे ये बात कही है उसी टाइम से पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो गया है, तो इसी वजह से वो उसे अप्रिशिएट करने के लिए ये बात कह देती है। इसके बाद प्रतीक और जोर शोर से मेहनत करता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। सरला मैडम का ट्रांसफर हो गया था लेकिन प्रतीक सरला मैडम के घर को जाना करता था, तो अक्सर वो अपने पिता की साइकिल लेकर सरला मैडम से मिलने के लिए चला जाया करता था। वहां पर उसके घर के बाहर खड़ा रहा करता और जैसे ही उसे सरला मैडम दिख जाया करती तो वहां से वापस आ जाया करता। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ प्रतीक की स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद वह अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए दूसरे शहर में चला जाता है। अब तक उसे समझ आ गया था कि जो उसकी मैडम ने उससे कहा था वो सब कुछ केवल उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए था और ऐसा असलियत में कुछ भी नहीं होगा। इसके बावजूद भी वह अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखता है और बड़ा अफसर बनने की भाग दौड़ में लग जाता है। वह ग्रेजुएशन करता है और ग्रेजुएशन करने के बाद सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ प्रतीक बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद लगभग 2-3 साल के बाद उसका यह सरकारी अफसर बनने का सपना पूरा हो गया था। वह एक पीसीएस अधिकारी बन जाता है और यह खबर सबसे पहले वो अपने पिता को फोन पर सुनाता है। अब जैसे उसके पिता सुनते हैं कि उसका बेटा पीसीएस अधिकारी बन गया है तो इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं और गांव में चारों तरफ इस बात के लिए मिठाइयां बंटवाते हैं। सभी लोगों को बताते हैं कि मेरा बेटा पीसीएस अधिकारी बन गया है और अब हमारी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगी। अब तक उसके पिता ही उसकी देखभाल किया करते थे पर अब इस बात की कोई परेशानी नहीं है क्योंकि अब जो प्रतीक है वो अच्छी सी नौकरी पर लग गया है, तो अब उसके पिता को कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। इसके बाद प्रतीक अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है और वहां की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। अब जहां पर उसकी पोस्टिंग हुई थी तो उसके ऑफिस से थोड़ी ही दूर एक स्कूल था और स्कूल से ढेर सारे बच्चे और स्कूल की टीचर निकला करती थी और उन टीचरों को देखकर उसे अपनी मैडम की वो बात याद आ जाती है जो छठवीं क्लास में उसने उससे कहा था कि तू एक बड़ा अधिकारी बन जा और उसके बाद मैं तुझसे शादी कर लूंगी। अब इसके बाद जो प्रतीक होता है वो इस बात को सोचकर अपनी मैडम से मिलने के लिए अपनी गाड़ी को लेकर सीधा अपने मैडम के घर की तरफ चलने लगता है। रास्ते में एक फूल वाले की दुकान पड़ती है तो वहां से प्रतीक एक अच्छा सा गुलदस्ता बनवाता है और उस गुलदस्ते को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वह अपनी मैडम के घर की तरफ सफर तय कर रहा है और उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही हैं। वह अपनी मैडम के बारे में सोच रहा है और सोच रहा है कि मैडम जब मुझसे मिलेगी तो मुझ पर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करेगी और मैं उससे इस तरह की बातें करूंगा। इन बातों को सोचते हुए वह अपनी मैडम के घर पर पहुंच गया था लेकिन वहां जाकर जैसे उस घर को देखता है तो एकदम से हैरान और परेशान सा हो जाता है क्योंकि दोस्तों उस घर के ऊपर ताला लगा हुआ था और उस घर को देखने से लग रहा था कि कम से कम 3-4 साल से इस घर के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं आया है, यह घर एकदम से खंडर नुमा हो गया था। तो इसके बाद जो प्रतीक होता है वह अड़ोसी पड़ोसियों से पूछता है और पूछता है कि यह मैडम जो इस घर में रहा करती थी वो फिलहाल कहां गई है। तो उसके बाद एक पड़ोस में रहने वाली महिला जो सरला मैडम की बहुत ही अच्छी मित्र थी वह उससे पूछने लगती है कि भाई तू कौन है और किस वजह से उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके बाद प्रतीक अपनी पूरी कहानी उस मैडम को बता देता है और कहता है कि छठवीं क्लास में मैडम ने मुझसे वादा किया था कि जब मैं एक बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा तो वो मुझसे शादी कर लेंगी, तो इसी वजह से अब मैं बड़ा अधिकारी बन गया हूं तो उनसे शादी करना चाहता हूं। इस बात को सुनकर वह महिला हंसने लगती है और उससे कहती है कि तू पागल तो नहीं हो गया जो ऐसी बातें कर रहा है। वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो केवल मैडम से मिलना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि उनकी कही हुई बात के जरिए मैं कामयाब हो गया हूं। इसके बाद वो उस महिला से सरला मैडम का एड्रेस ले लेता है और उस एड्रेस के लिए दोबारा से निकल देता है। उस महिला ने उसे बताया था कि मेरी 2-3 साल पहले बात हुई थी, जब वो यहां से गई थी तो अपना एड्रेस देकर गई थी और कहा था कि कभी ना कभी मुझसे मिलने आ जाना, लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मैं कभी उससे मिलने के लिए नहीं जा पाई। चलो अच्छा है, तुम जाकर उसका हालचाल ले आना और बाद में कभी आकर मुझे बता देना। ऐसा कहकर उसने उसे अपना नंबर भी लिखकर दे दिया था और साथ में वो एड्रेस दे दिया था जहां पर सरला मैडम रहा करती थी। अब जो प्रतीक होता है गुलदस्ते को लेकर दोबारा से उस एड्रेस के लिए चल देता है और कुछ सफर तय करने के बाद वह वहां पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह घर का दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा खटखटाने के बाद एक महिला घर के अंदर से निकलती है और उसके बाद जो प्रतीक होता है उसे सरला मैडम के बारे में पूछने लगता है। अब वह महिला उससे पूछती है कि आप कौन हो, तो वह बताता है कि मैं उनका स्टूडेंट और छठवीं क्लास में उन्होंने मुझे पढ़ाया था। अब इसके बाद जो महिला घर के अंदर से निकली थी वो उन्हें एक वृद्धाश्रम का एड्रेस दे देती है और कहती है कि माँ जी तो वहीं पर रहा करती हैं। ऐसा कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया था और घर के अंदर चली गई थी। अब जो प्रतीक होता है दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठता है और उस एड्रेस को लेकर उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो रिसेप्शन पे पता करता है कि सरला मैडम कौन से कमरे में रहा करती हैं, तो वहां के लोग उन्हें बता देते हैं कि उनका फलाना कमरा है और इसके बाद
का जो प्रतीक होता है उस गुलदस्ते को अपने हाथ में लिए हुए उस कमरे में पहुंच जाता है। अब जैसे वो कमरे में पहुंचा था तो सरला मैडम एक बिस्तर के ऊपर आराम कर रही थी क्योंकि दोपहर का समय था और वो उनके आराम करने का समय था। अब सरला मैडम जैसे देखती है कि उनके कमरे में कोई आया है तो वह अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और बैठने के बाद कहने लगती है कि भाई तुम कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद जो प्रतीक होता सरला मैडम के सामने जाता है और अपने घुटने टेक कर उस गुलदस्ते को मैडम के आगे कर देता है और कहता है कि मैडम आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही प्रतीक हूँ जिसको छठवीं क्लास में आपने पढ़ाया था और मैं आज आपसे शादी करने के लिए आया हूँ। अब मैं एक बड़ा अधिकारी बन गया हूँ और आपने कहा था कि जब तुम बड़े अधिकारी बन जाओगे तो मुझसे शादी कर सकते हो, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब इस बात को सुनकर जो मैडम थी एकदम से हंसने लगती है और कहती है कि अरे बुद्धू तू पागल तो नहीं हो गया, मेरी उम्र देख और अपनी उम्र देख। इसके बाद जो प्रतीक होता वो भी हंसने लगता है और हंसते हंसते सरला मैडम की आंखों से एकदम आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद जो प्रतीक होता है एकदम से उनके पास बैठता है और उनको शांत कराता और कहता है कि मैडम क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों रोने लगी। तो जो सरला मैडम होती है थोड़ी सी शांत होती है और शांत होने के बाद उसको बताने लगती है कि बेटा क्या बताऊं, तुझे तो कामयाब करने के लिए मैंने छठवीं क्लास में छोटी सी बात की थी उससे ही तो कामयाब हो गया, लेकिन मेरा बेटा इस चीज में कामयाब नहीं हो पाया जबकि मैंने उसे पूरी पूरी कहानियां सुनाई थी कामयाब होने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो इधर उधर के व्यसनों में ध्यान देने लगा और उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। मेरा बेटा जितना भी कमाया करता है उन सारे पैसों की शराब पी जाया करता है और उसने बुढ़ापे में मुझे अपने से अलग कर दिया है और वो कभी भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया करता, बार बार मुझे उसकी याद आया करती है, लेकिन चलो अच्छा है कम से कम तूने तो याद रखा कि मैंने उस टाइम पर तुमसे क्या कहा था। इस बात को कहते हुए सरला मैडम एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए उसकी आंखों के आंसू टपकने लगते हैं। अब जो प्रतीक होता है थोड़ी देर तक वो सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कहने लगता है कि मैडम आज से आपको यहां पर रहने की जरूरत नहीं है। तो जो सरला मैडम है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती हैं और कहने लगती है कि बेटा अब इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी, यहाँ पर कम से कम भरपेट खाना तो मिलता है, बाकी अपने तो नहीं है लेकिन ये तो है कि कम से कम यहाँ पर भरपेट खाना मिलता है और बुजुर्ग लोगों के साथ बातचीत कर लिया करती हूँ, मन बढ़ जाता है। अब इसके बाद जो प्रतीक होता है वो कहता है कि नहीं मैडम मैं आपको यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, भले ही आपके बेटे ने तुम्हें ठुकरा दिया हो लेकिन मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। इसके बाद सरला मैडम फिर से मना करती हैं लेकिन जो प्रतीक होता है वह सरला मैडम से जिद करने लगता है, कहता है कि मैडम आपकी एक छोटी सी सीख की वजह से आज मैं कितना बड़ा अधिकारी बन गया हूं कि मैं आपका पेट आसानी से पाल सकता हूं और आपको मेरे साथ चलना ही होगा और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। इसके बाद जो प्रतीक होता है वह सरला मैडम को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी में बिठाने के बाद सीधा अपने घर ले जाता है। वहां पर प्रतीक के पिता और उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि प्रतीक आने वाला है, लेकिन जैसे वो एक बुजुर्ग महिला को उसके साथ देखते हैं तो उससे पूछने लगते हैं कि ये कौन है और किस वजह से तुम इसे लेकर आए हो। तो उसके बाद प्रतीक पूरी कहानी अपनी पत्नी को भी बताता है और अपने पिता को भी बताता है। तो उसके पत्नी और पिता उस बुजुर्ग महिला को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको अपने घर में रखने लगते हैं, वह अच्छी तरह से उनकी सेवा किया करते हैं। इधर जो सरला मैडम थी वह प्रतीक के बच्चों को खिलाया करती और अपना फन सा उसे फील हुआ करता। वह प्रतीक को बहुत बहुत दुआएं देती है, कहती है कि बेटा तेरी जिंदगी और भी ज्यादा लंबी हो और तू अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा जिस काम को नहीं कर पाएगा उसे मेरा एक स्टूडेंट कर देगा और बुढ़ापे में वो मेरा सहारा बनेगा। तो जो प्रतीक होता है मैडम से इन बातों के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैडम आज से आपका इस घर में मेरी माँ का दर्जा है और आपको इस घर में मेरी माँ का फर्ज ही निभाना है। प्रतीक उसे माँ की तरह रखा करता और जब भी कभी ड्यूटी से वापस लौटा करता तो सबसे पहले सरला मैडम से मिला करता, उनसे बातें किया करता और उनका हालचाल जाना करता, कभी भी उन्हें किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होने देता है और इसी तरह से समय बीतता रहता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक मैडम की जिसने छठवीं क्लास में एक लड़के से ऐसी बात कह दी, उस बात के लिए वो लड़का एक बड़ा अधिकारी बन गया और बाद में उस मैडम के पास पहुंच गया और उससे प्रपोज कर डाला। आप क्या कहना चाहते हो सरला मैडम के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो प्रतीक के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान।